हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनएस के ज्ञान। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडमी की तरफ से आने वाले अपकमिंग स्मार्टफोन रेडमी नोट 11 प्रो के बारे में। दोस्तों, ये स्मार्टफोन एक रियल 5G स्मार्टफोन होगा जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फाइनली बात करेंगे इसी स्मार्टफोन की सभी कन्फर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में कि इसके अंदर आपको कौन कौन से इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलेंगे और ये स्मार्टफोन कब तक और किस प्राइस पॉइंट में इंडिया में लॉन्च होगा। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और प्लीज़, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी टेक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो इसके अंदर आपको 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी जिसमें सेंटर पंचोल डिजाइन के साथ में 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होगा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा जिसके साथ आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी मिलेगा। और इसके बैक एंड फ्रंट दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरीन मिलने वाली है। एंड अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो इसके अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का पावरफुल 5G चिपसेट मिलेगा जो कि एकदम लेटेस्ट और दमदार प्रोसेसर है और डुअल 5G की कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। और अगर बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 के साथ में MIUI 12.5 का सपोर्ट भी मिलेगा। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन 3 RAM वेरिएंट में लॉन्च होगा, 6G प्लस 128GB, 8G प्लस 128GB और 8G प्लस 256GB। वहीं पर अगर बात करूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो इसके बैक में आपको ग्लास बैक मिलेगा जो कि ग्लॉस ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ आएगा। एंड इसी के साथ रियर साइड में ट्रिपल कैमरे का सेटअप होगा जिसका मेन सेंसर 108 MP का होगा, 16 MP अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा एंड 5 MP का डेप्थ सेंसर होगा। वहीं पर अगर बात करूं इसके सेल्फी कैमरे के बारे में, तो इसके फ्रंट में आपको 32 MP का एक सिंगल पंचोल सेल्फी शूटर भी मिलेगा जिससे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी जिसके साथ आपको 67 W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। इसी के साथ USB टाइप सी पोर्ट होगा, 3.5 mm ऑडियो जैक, IR ब्लास्टर, डुअल स्टूडियो स्पीकर, ये सब कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। और अब फाइनली बात कर लेते हैं इसकी प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों, ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर 23 से 25 हज़ार रुपये के बीच में मिलेगा। और अगर बात करूँ इसकी लॉन्च डेट के बारे में, तो ये स्मार्टफोन नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।